हेलो एवरीवन, सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। सो थ्री कार्ड्स रखे हैं आपके सामने, तीनों में से कोई एक कार्ड चूज़ कर लो। ठीक है, तो चलो कार्ड नंबर वन की बात करते हैं। कार्ड नंबर वन देखते हैं, तो आपके पार्टनर जो है अभी इस वक्त सोच रहे हैं आपके साथ रियूनियन करने के बारे में, आपके साथ जो है आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं फ्यूचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और ये रियूनियन चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ फिर से बॉन्ड बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो कार्ड नंबर वन की बात हो गई। कार्ड नंबर टू की बात करते हैं। सो कार्ड नंबर टू, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो है आपके साथ फिर से वही इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल फीलिंग्स, इमोशनली अटैच होने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। आई थिंक आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए हो, लेकिन अभी भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर हैं अपने आप को बहुत ही कंट्रोल करके ये चल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हाँ, हम दोनों का फिर से कनेक्शन कब बनेगा। ठीक है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, कार्ड नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पे कार्ड नंबर थर्ड यानी कि पाइल नंबर थर्ड का कार्ड है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, काफ़ी मायूस हैं, काफ़ी अकेलापन इनको फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि हमेशा के लिए रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं और ये जो है काफ़ी निराश हो रहे हैं इस वजह से कि शायद आप जो है इनकी लाइफ में अब दोबारा एंटर नहीं करोगे, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी अधूरी ही रह जाएगी। ठीक, और इनको सेक्रीफाइसेस करके लाइफ में आगे बढ़ने पड़ेंगे। तो ये है आज की रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।